नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। मैं आप फिर आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, बैच 5 बेहतरीन क्वेश्चन और उनसे भी बेहतरीन उनकी एक्सप्लेनेशन, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एबिलिटी को बढ़ाता है। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने जो प्रस्तुत है, द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर। यहां पे हमें कंक्लूजन देखने को मिलता है, चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज मे बी ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। यहां पे जो हम एक चीज देखते हैं, चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर फ्रॉम मूवीज, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो यहां पर जो हम ये देखते हैं, ये बड़ा ही फेमस हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, इसको हम कहते हैं बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। यह जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, हिट मी डॉल एक्सपेरिमेंट। आपने एक खिलौना देखा होगा, खिलौना ऐसा होता है, और इसके ऊपर चेहरा बना होता है, और इस पे लिखा होता है हिट मी। और बड़ी ही भारी पेंदी वाला ये आप देखेंगे कि खिलौना होता है, इसकी पेंदी बड़ी भारी होती है, इसको कितना भी गिराने की कोशिश की जाए ये दोबारा आके खड़ा हो जाता है वैसा ही। तो इसके ऊपर एक मूवी दिखाई इस मनोवैज्ञानिक ने, और इस मनोवैज्ञानिक का जो नाम था वो नाम था एल्बर्ट बंदूरा। इसका नाम था एल्बर्ट बंदूरा, फेमस था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, बोबोडॉल प्रयोग, या हिटमी डॉल जो एक्सपेरिमेंट है इसे हम हिटमी डॉल कहते हैं या बोबोडॉल कहते हैं। तो इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे जब एक बच्चे देखते हैं मूवी में या रिकॉर्डिंग में कि दूसरे लोग बोबोडॉल को मार रहे हैं, तो वो भी उसको सीख जाते हैं और फिर वो भी थोड़े से हिंसक हो जाते हैं। तो इसके आधार पर फिर हम देखेंगे कि इसके आधार पर इन्होंने लर्निंग थ्योरी दी थी, और उस लर्निंग थ्योरी को हम किस नाम से जानते हैं, जो बंदूरा की लर्निंग थ्योरी है, इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। प्रेक्षण अधिगम इन्होंने प्रदान किया था। इसके अलावा इसी को के ऊपर जब उन्होंने थ्योरी के ऊपर बात करी थी, तो इसको नाम दिया था इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, कैसे समाज से प्रेक्षण अधिगम के द्वारा व्यक्ति अधिगम को प्राप्त करता है, तो उसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। तो ये दोनों सिद्धांत हमें बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट से देखने को मिलते हैं, जो कि एल्बर्ट बंदूरा ने दिया थे। इसके अलावा बाकी हम मनोवैज्ञानिकों को देखें तो जीन प्याजे हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। थॉर्नडाइक हमारे पास स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग की बात करते हैं, एसोसिएशनिज्म की बात करते हैं, कनेक्शनिज्म की बात करते हैं, लॉज ऑफ लर्निंग देते हैं, जिसमें से हमें 3 प्रिंसिपल लॉज हैं और 5 एसोसिएटेड लॉज हैं।
थॉर्नडाइक साहब ने बहुत ज्यादा बहुत सारा काम किया है अधिगम में अगर हम देखें तो। ये बात करते हैं किस किस की, ये बात करते हैं सहसंबंधवाद की, या फिर बात करते हैं साहचर्यवाद की, या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग थ्योरी जो है, यानी उद्दीपक अनुक्रिया आबंधन सिद्धांत, या फिर ये बात करते हैं अधिगम के नियमों की, जिसमें से हमें 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम देखने को मिलते हैं। फिर हम वॉटसन साहब की बात करेंगे, तो वॉटसन साहब हमारे पास पेवलॉव के क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन थ्योरी देते हैं। ये जो पेवलॉव का शास्त्रीय अनुबंधन है जो पेवलॉव साहब ने दिया था, उसके ऊपर आधारित शास्त्रीय अनुबंधन का जो एक स्वरूप देते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन सिद्धांत, वो देते हैं वॉटसन साहब। और वॉटसन साहब फिर बिहेवियरिज्म की टर्म को क्वाइन करते हैं, व्यवहारवाद के शब्द को क्वाइन करते हैं और बिहेवियरिज्म के मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। व्यवहारवाद का जो आंदोलन शुरू हुआ मनोविज्ञान में उसको भी वॉटसन साहब देते हैं, और अधिगम की शुरुआती परिभाषा भी वॉटसन साहब के द्वारा दी गई है। तो ये सारे हैं, बाकी हम जो इसमें देख रहे हैं उत्तर, वो चौथा एल्बर्ट बंदूरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Students observe fashion shows and try to imitate models. This kind of imitation is called. शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो देखकर अनुकरण करने की कोशिश हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखी, ये थी ऑब्जर्वेशन लर्निंग। और ये जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, इसको इसके अंतर्गत हमने देखा जो थ्योरी थी वो थी सोशल लर्निंग थ्योरी। तो यहां पे हमने जो अनुकरण के ऊपर अधिगम के स्वरूप को देखा, इसे हम प्रेक्षण या निरीक्षण अधिगम कहते हैं। और इसके लिए जो थ्योरी हम देखते हैं उस थ्योरी को ही हम कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा ये दोनों चीजें किसने दी थी, ये दोनों चीजें दी थी हमें एल्बर्ट बंदूरा ने। अब यहां जो घटना बताई गई है, यहां जो गोचर बताया गया है फैशन शो को देखकर इमिटेट करना, तो इसे हम मॉडलिंग कहते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं, मॉडलिंग, प्रतिमानन कहा जाता है। जब किसी को हम इमिटेट करते हैं, मॉडल को जब हम मॉडल का अनुकरण करते हैं तो इसे कहा जाता है। तो यहां पे उत्तर जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, सोशल लर्निंग, हमें सामाजिक अधिगम उत्तर यहां देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। If students repeatedly make errors during a lesson, a teacher should. अगर शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को make erring students stand outside the classroom, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो stand outside, कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा करना, अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लीव द लेसन फॉर द टाइम बी एंड कम बैक आफ्टर सम टाइम, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना और कुछ समय बाद वापस जाना, तो यह भी नहीं करना है, हम छोड़ेंगे क्यों किसी पाठ को। आइडेंटिफाई द एरिंग स्टूडेंट्स एंड टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी और प्राचार्य से उसकी बात करनी, तो प्राचार्य से क्या बात करेंगे क्योंकि कक्षा की योजना, प्लानिंग फॉर द क्लास एंड स्ट्रेटजीज एंड स्टाइल्स फॉर द पर्टिकुलर लर्नर, हमें रणनीति और शैली जो एक विशिष्ट बालक के लिए बनानी हो तो हमें तय करनी है। तो यहां पर जो हमें उत्तर देखने को मिलेगा, दूसरा कथन, मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, चेंजेस इन टास्क, चेंजेस इन टाइम टेबल और चेंजिंग इन सीटिंग अरेंजमेंट्स,
हम या तो अनुदेशन में परिवर्तन करेंगे या कार्य में परिवर्तन करेंगे जो बच्चे को दे रहे हैं, या उसकी समय सारणी में या बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, तो हम कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे जो इससे पहले की स्थितियां हैं, जिससे कि बच्चे के परिणाम हमें बेहतर मिल सके, बच्चे के अधिगम उत्पाद हमें बेहतर मिल सके। तो उत्तर यहां पे दूसरा देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सो फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एन एंग्जायटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट पूछा गया, को छोड़कर पूछा गया है कि अतिरिक्त पूछा गया है कि अतिरिक्त कौन सी तकनीकें परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो अगर हम देखें तो इम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ, ये तो बिल्कुल दूर करेगी, विशिष्टताओं पर बल दें हम अपनी और कमियों के ऊपर काम करें। फैमिलाइजिंग विद द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये भी बिल्कुल हमें मदद करेगा, प्रश्न पत्र के पैटर्न से परिचित होकर उसके अनुसार तैयारी करना। फिर थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना नहीं, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो कर्म किए जा फल की चिंता मत कर तू इंसान, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अगर कर्म की चिंता छोड़कर परिणाम की चिंता करते हैं तो दुश्चिंता ज्यादा बढ़ती है, चिंता बढ़ती है, इसलिए ये एक अच्छा विकल्प नहीं है। और क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है इसलिए यही हमारा आंसर होगा, परिणाम के बारे में बहुत सोचना। और लास्टली भी देख लेते हैं, सीकिंग सपोर्ट, जहां आवश्यकता हो वहां शिक्षक की के पुस्तकों की स्कैफोल्डिंग की सहायता प्राप्त करना, समर्थन प्राप्त करना, तो ये भी बिल्कुल एंग्जायटी कम करने में सहायता करता है। तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, ब्लूम की टेक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो यहां पर हमने देखा ये होती है ई बी ओ की व्यवस्था, यानी ब्लूम साहब कहते हैं क्या इसको, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, अपेक्षित व्यवहारात्मक उद्देश्य, इसके ऊपर आधारित उन्होंने खुद अपनी ये बात कही है। अब अगर हम देखें तो इसी से हमें आंसर मिल जाता है, गोल्स नहीं है, डिक्लेरेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, लक्ष्य नहीं है, घोषणाएं नहीं है, कौशल नहीं है। तो उत्तर हमें ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है। अब इसमें कॉग्निटिव दे रखा है, संज्ञानात्मक दे रखा है। तो अब अगर हम इसके ऊपर आधारित देखें तो हम क्या पाते हैं, हम पाएंगे कि जो ईबीओ है, ईबीओज के डोमेन्स दिए इन्होंने, अभिक्षेत्र दिए, और तीन अभिक्षेत्रों के ऊपर इन्होंने बात करी। पहला अभिक्षेत्र था कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक पक्षीय अभिक्षेत्र। दूसरा था कोनेटिव, या इसी को हम कहते हैं साइकोमोटर। क्रियात्मक या मनोगामक, और तीसरा था यहां पे अफेक्टिव डोमेन, यानी भावात्मक पक्ष। तो
तो इसीलिए यहां पर हमें अब ये भी देखने को मिलता है कि कॉग्निटिव पूछा गया है, तो कॉग्निटिव भी ईबीओ का हिस्सा हमें दिया गया है, संज्ञानात्मक भी हमारा हिस्सा है, इसीलिए उत्तर हमें पहला देखने को मिलता है। तो साथियों ये था आज का हमारा सीडीपी 5 का पंच। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। अगली कड़ी में ऐसे ही प्रश्न लेके फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।